नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन खंडेलवाल हूँ। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में ब्रेस्ट सेंटर और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और आज मैं आपके साथ छाती के कैंसर या स्तन के कैंसर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो भारतीय महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। एंड आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले ये बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि अगर 21 औरतें कहीं पे जमा है तो उनमें से एक को उनकी जिंदगी भर में ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर जरूर होगा। एंड अगले 10-15 साल के अंदर ये फिगर बढ़ के 1 in 8 हो जाएगा, मतलब 1 out of every 8 इंडियन लेडीज को ये छाती का कैंसर होगा। नाउ इस क्लिप का पर्पस ये है कि हम छाती के कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी पकड़ में आ जाए छाती का कैंसर, तो एक तो ये पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, दूसरा जो औरतें सबसे ज़्यादा कैंसर ट्रीटमेंट में डरती हैं वो है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी अवॉइड की जा सकती है, एंड तीसरी चीज़ पूरी छाती निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छाती बचाई जा सकती है। सो इन तीन वजहों से बहुत ज़रूरी है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए। ना जल्दी पकड़ने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि फीमेल खुद की छाती महीने में एक बार फील करके देखे कि छाती के अंदर कोई गांठ है या नहीं। तो इसकी जो टेक्निक है ये आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, सीके बिरला की वेबसाइट पे हमने छाती की खुद की जांच कैसे करनी है वो डिटेल में उधर समझाया गया है, और ये महीने में एक बार करनी चाहिए। जिनके महीने चल रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, उनको इसको पीरियड्स के तीसरे या चौथे दिन पे करना चाहिए, पर जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं वो महीने में एक दिन डिसाइड कर ले एंड अपनी खुद की जांच, छाती की जांच उस टाइम पे करें। आप डिटेल प्रोसीजर पढ़ सकते हैं, मैं बस एक टिप बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ओपीडी में कई महिलाएं आती हैं, कहती हैं कि हमारी छाती के अंदर गांठ है, पर छाती के अंदर कुछ नहीं होता। उनको गांठ इसलिए महसूस होती है बिकॉज वो छाती को ऐसे पकड़ते हैं। अगर आप छाती को ऐसे पकड़ेंगे तो आपको अधिकतर पेशेंट्स के अंदर गांठ महसूस होती है, पर छाती को हर वक्त हमें अपनी उंगलियों से, टिप से, नाखूनों से नहीं, इनके पल्प से हमें छाती के अगेंस्ट फील करना चाहिए। ऐसे करने से हमें गांठ का पता चलता है, ऐसे करने से नहीं पता चलता। दूसरी चीज है कि अगर आप 35 साल की उम्र के ऊपर हैं या आपके फैमिली के अंदर कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको साल में एक बार एक डॉक्टर को, एक ब्रेस्ट सर्जन को आके छाती चेक करवानी चाहिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जब मैं अपनी खुद की छाती की जांच कर रही हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास आने की क्या जरूरत है? वेल, अगर आप खुद से जाँच करेंगे तो आप 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर की गांठ पकड़ सकते हैं, पर हम जो रेगुलरली पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, हम 1 सेंटीमीटर से कम की गांठें भी पकड़ सकते हैं, एंड उससे भी ट्रीटमेंट में काफ़ी अंतर पड़ता है। तो साल में एक बार डॉक्टर को दिखाना भी अनिवार्य है। तीसरा तरीका है मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। नाउ मैमोग्राफी छाती का एक एक्सरे है, इसको साल में एक बार 40 साल की उम्र के बाद करवाना चाहिए, एंड जो भी आप एक्सरे या मैमोग्राफी करवाएं उसकी फिल्म्स को बचा के रखें, जैसे आगे आगे हर साल डॉक्टर इसको कंपेयर करके देख सके कि कोई बदलाव तो नहीं आ रहा आपकी छाती के अंदर। नाउ कई महिलाएं कहती हैं कि ये मैमोग्राफी बहुत पेनफुल होती है, दर्द होता है इसमें। वेल, अगर आप पीरियड से पहले इस मैमोग्राफी को करवाओगे तो दर्द जरूर होगा, बट अगर आप तीसरे चौथे दिन बाद पीरियड्स के करवाओगे तो इसमें दर्द नहीं होता है। आजकल पैडेड हैंडल्स आते हैं जिनसे तकलीफ नहीं होती है, पर इसके फायदे बहुत हैं, इससे हमें कैंसर के बारे में जल्दी पकड़ में आ सकता है। हम सारी महिलाओं को जब भी हम टॉक देने जाते हैं यही कहते हैं कि वो याद रखें कि साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी है, और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि अपने बर्थडे से एक हफ्ते पहले यू शुड गिफ्ट योरसेल्फ अ मैमोग्राफी, तो आप इसके बारे में नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो से मैं बस ये चाहता हूं कि आप इन तीन चीजों के बारे में जानकारी रखें और अपने किसी सहेली को या फैमिली मेंबर को भी ब्रेस्ट कैंसर और उसके अर्ली डिटेक्शन के बारे में बताएं।